हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप तो आपकी तैयारी सुपर फास्ट हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये बना दी है पॉडकास्ट सीरीज, जिसमें मैं फटाफट आप लोगों को एक दिन में दो से ज्यादा वीडियोज प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द विद इन 10 डेज में आप लोगों को इसके सारे वीडियोज दे दूँ, 11th एंड 12th, ताकि आप अपने रिवीजन को, इवन आपको पता है अगर आप इस पॉडकास्ट सीरीज से रिवाइज करते हैं तो आप एक दिन के अंदर पूरी बायोलॉजी को रिवाइज कर लेंगे। और जैसे ही बायो ओवर होगी वैसे ही मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी आपको बना करके प्रोवाइड कर दूंगी। सो, इसको अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बेटा, ताकि हर एक उस बच्चे के पास में पहुंच जाए जिसके पास में सारे संसाधन नहीं है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सका बट तैयारी कर रहा है और उसके पास में वो चीजें नहीं थी। बट यूट्यूब तो हर जगह है ना, तो इसलिए इसको आप हर किसी से शेयर करिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए और उसकी दुआओं से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो प्लांट किंगडम है। मैं क्लास 11th एंड 12th दोनों के पैरेलल वीडियोस डाल रही हूँ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बराबर चल रही है। इसके शॉर्ट नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ से जाओ फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करके वहाँ से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लो। वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और शुरू करते हैं हम प्लांट किंगडम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, सब कुछ जितना आना है नीट एग्जाम में, वो भी कम से कम टाइम में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, टाइम टू टाइम बदल रही है। एंड फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटेस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैविंग नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी साइनोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। एंड इन प्लांट किंगडम वी डिस्क्राइब एल्गी ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड हमारा प्यारा एंजियोस्पर्म। अब आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीन टाइप का है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब सबसे पहले आर्टिफिशियल देखते हैं। Used only gross superficial morphological characters like habit, color, number and shapes of leaves etc. And it is based mainly on vegetative characters or on the androecium structure. And this system is given by Linnaeus. Limitations kya hain? Separated closely related species as they were based on a few characteristics and it gave equal weightage to vegetative and sexual characters. This is not acceptable because vegetative characters are more easily affected by environment. नेचुरल वाले सिस्टम में क्या था? बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। नेक्स्ट थर्ड है हमारा फाइलोजेनेटिक, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, पूर्वजों के आधार पर है ये। And this assumes that organisms belonging to the same taxa have common ancestor. अब आ जाते हैं हम टैक्सोनॉमी में, जिसमें हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर साइटो टैक्सोनॉमी एंड देन आफ्टर कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के फीचर्स हैं कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड देन डेटा आर प्रोसेस्ड। And each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy mein hai based on cytological information like chromosome number ho gaya, structure and behavior etc. And chemotaxonomy uses chemical constituents of the plants to resolve confusion. And ye isme jo support sabse zyada karta hai wo fossil evidence. अब आता है एल्गी, सबसे पहले देखते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्ज एक्वाटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिज्म। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स लाइक मॉइस्ट स्टोन, सॉइल्स एंड वुड। सम अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, लाइकेन एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल इन स्लॉथ बेयर। एंड फॉर्म एंड साइज इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम कोलोनियल वॉल्वॉक्स एग्जाम्पल टू फिलामेंटस, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, टू मैसिव प्लांट बॉडीज which is marine forms like kelps to unicellular form, example is Chlamydomonas. Algae can reproduce by vegetative, example fragmentation, asexual and sexual means, tino type. Asexual reproduction by formation of different types of spores, most common is zoospore. Sexual reproduction isogamous hota hai, anisogamous hota hai and oogamous hota hai. Isogamous jisme gametes are similar in size. फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होते हैं, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स होते हैं, एग्जाम्पल स्पायरोगायरा है। एनाइसोगैमस में गैमिट्स डिसिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल हो गया यूडोरिना
एंड ऊ गैमस में फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट एंड अ स्मॉलर मेल गैमीट एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका है, इसके सारे देख लेते हैं पॉइंट्स. एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल सी ओ टू फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी एंड बींग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट. दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स. मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर एमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड. अब हाइड्रोकोलाइड लाइक जैसे एल्गिन जो कि ब्राउन एल्गी से बनता है एंड कारा ग्रीन रेड एल्गी आर यूज्ड कॉमर्शियली यूज होते हैं. अगार ऑब्टेंड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज. क्लोरेला आर रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स. नाउ द थ्री मेन क्लासेस ऑफ एल्गी देखते हैं. सबसे पहली है क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. हम लोग वन बाई वन हर एक का फीचर देखते हैं. शुरुआत करते हैं क्लोरोफाइसी से. एंड यूजुअली ग्रास ग्रीन होती है ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी. पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट. मोस्ट मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड पायरेनॉइड्स विच कंटेन प्रोटीन्स एंड स्टार्च एंड हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एन आइसोगैमस और ऊगैमस. एंड एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा एट्सेट्रा. फियोफाइसी के फीचर्स हैं फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स. कॉमनली कहा जाता है ब्राउन एल्गी एंड इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सी प्रेजेंट होता है, कैरेटिनॉइड्स एंड जैंथोफिल्स होते हैं. ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड टू ब्राउन डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ जैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन. फूड स्टोरेज एज लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल. सेल्यूलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाई एल्गिन एंड प्लांट बॉडी यूजली एज होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. इन मोस्ट ब्राउन एल्गी पियर शेप्ड बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैव टू अनईक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एन आइसोगैमस और ऊगैमस एंड गैमीट स्पायरीफॉर्म विद टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला. एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस एट्सेट्रा. नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप रोडोफाइसी. रेड एल्गी हैव प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरेथ्रिन इन देयर बॉडी एंड इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है. मेजॉरिटी मरीन होती है विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज एंड अकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू वाटर सर्फेस और एट ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स. सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर विथ सम हैविंग कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी फूड जो है वो स्टोर होता है एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी सिमिलर होता है जो कि एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के. ए सेक्शुअल स्पोर्ट्स एंड गैमीट्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस होता है एंड अकम्पेन्ड बाई कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स. एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एट्सेट्रा. अब आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स को, फिर टेरिडोफाइट्स और फिर बचे हुए दो. ब्रायोफाइट्स को मॉसेज एंड लिवरवॉर्ट्स इसके फीचर्स हैं एंड ब्रायोफाइट्स कॉमनली ग्रो इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Rhizoids may be unicellular or multicellular. Main plant body is haploid, gametophyte. Multicellular sex organ, enthridium and archegonium hote hain. Anthrozoids are biflagellated. Some mosses provide food for herbaceous mammal, bird and other animals. Species of sphagnum provide peat used as a fuel and as packing material for transshipment of living material as they hold water. Mosses along with lichens are of great ecological importance. They decompose rocks making substrates suitable for growth of higher plants. They play an important role in plant succession on bare rocks or soil. Mosses form dense mats on soil, reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Bryophytes ko divide kiya gaya hai liverworts and mosses mein. सबसे पहले हम लिवरवॉर्ट्स के फीचर्स देखते हैं. प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है अप्रेस टू द सबस्ट्रेट एंड लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड गैमी.
एंड गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स फॉर्म्ड इन गैमा कप्स लोकेटेड इन थैलाई. एंड स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फूड सीटा एंड कैप्सूल. After meiosis, spores are produced in capsule which germinate to produce free living gametophyte, example Markensia. Next आता है मोसिस. Gametophytes consist of two stages, protonema and leafy stage. Protonema stage, it develops directly from a spore. Protonema is creeping, green, branched and frequently filamentous stage. Leafy stage develops from secondary protonema as a lateral bud. They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves attached to the soil through multicellular branched rhizoids, and it also bears sex organs. Vegetative reproduction by fragmentation and budding in secondary protonema. Sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts, and they have more elaborate mechanism of spore dispersal. Example of Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Ab aa jaiye pteridophyte mein, horsetails and ferns. So evolutionary, they are the first terrestrial plant hai with vascular tissues and found in cool, damp, shady places, though some flourish in sandy soil also. Main plant body is sporophyte, yani 2N hoti hai, with true root, stem and leaves. Leaves are small microphylls as in Selaginella, or large hoti hai microphylls as in ferns. Sporophytes bear sporangia subtended by sporophyll, which may be compact called strobili or cones as in Selaginella equisetum. Sporangia 2N hota hai, usse banta hai spore mother cell 2N, fir meiosis hoti hai, fir usse bante hai haploid spores yani ki N. Spores germinate to produce inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. Gametophytes need cool, damp, shady places to grow. The specific requirement and need of water for fertilization limit the spread of living pteridophytes and restrict it to narrow geographical regions. Male and female sex organs are Enthridia and Archegonia, and majority are homosporous, but genera like Selaginella and Salvinia are heterosporous. In heterosporous species, the female gametophytes are retained on the parent sporophyte. Zygote develops into young embryos within female gametophytes, and this event is precursor to seed habit, considered an important step in evolution. Used for medicinal purposes and as a soil binders, also grown as ornamentals. Pteridophytes are further classified into four classes: Psilopsida, example Psilotum; Lycopsida, example Selaginella; Lycopodium; Sphenopsida, example Equisetum; Pteropsida, example Dryopteris, Teres and Adiantum. अब आ जाइए जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड, ठीक है. जिम्नो का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड. सो प्लांट इन विच ओब्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाई ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नेकेड. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. द जायंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. रूट्स जनरली टैप रूट होती हैं, हैविंग फंगल एसोसिएशन एज माइकोराइजा पाइनस, और कैरोलॉइड रूट होती हैं विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एज इन साइकस. स्टेम जो है वो ब्रांच्ड होता है पाइनस सेड्रस में, अनब्रांच्ड होता है साइकस में. लॉन्ग एंड डार्फ शूट होती है इन केस ऑफ पाइनस एंड जिंको. एंड लीफ जो है वो सिंपल होती है पाइनस में, पिन्नेट एंड कंपाउंड पाई जाती है साइकस में. ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. Leaves are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. In the conifers, needles-like leaves reduce surface area, thick cuticle and sunken stomata help to reduce water loss. Gymnosperms are heterosporous. Sporophylls, microsporophylls and megasporophylls होते हैं दो टाइप. Micro यानी कि male cone और strobili और lax कहते हैं. Female में आपका megasporophyll यानी कि female cone यानी कि strobili. Male and female sporangia born on microsporophylls and megasporophylls respectively. Sporangia में microsporangia जो कि 2N होता है, जिससे कि pollen grain haploid बनते हैं. Megasporangia यानी कि ovule यानी ये भी 2N होता है, इसमें meiosis होती है MMC में, जिससे 4 megaspore बनते हैं. One develops into the female gametophyte or endosperm जो कि haploid होता है, N होती है इसकी ploidy. Pinus is monoecious, example male and female cone or strobili are born on same tree. Cycas is dioecious, and that is male cone and megasporophylls are born on different trees. Female cone is absent in cycas.
And male gametophyte, that is pollen grains, are highly reduced and conified to limited number of cells. Female gametophytes bear two or more archegonia or female sex organs. The multicellular female gametophyte is retained within megasporangium. Male and female gametophyte do not have an independent free living existence. Pollen grains are carried by air currents and come in contact with opening of ovules. Fertilization is by pollen tube formation, which carries male gametes. Zygote forms embryo and ovules form naked seeds. अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म में, जो कि लास्ट है. इन एंजियोस्पर्म्स और द फ्लावरिंग प्लांट्स, पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स, सीड्स और इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स. एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया एंड दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस, डाइकॉट्स हैविंग सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीफ एंड टेट्रा और pentamerous flowers and monocots having single cotyledon seed. Parallel venation in leaves and trimerous flowers. Pollination जो है वो winds के through होता है और by other agencies के through भी होता है, यानी कि by other methods. And double fertilization unique feature होता है angiosperm का. Syngamy produce zygote. Triple fusion produces triploid primary endosperm nucleus. And zygote develops in embryo with one or two cotyledons and PN develops into endosperm, that is 3N. इसकी ploidy क्या होती है? 3N, which provides nourishment to the developing embryo and the ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruits. और इसी के साथ ही हमारा ये plant kingdom पूरा complete हो गया है. देखा आपने कितने कम time में हमें लगे, लगभग आपके 15 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगा और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया. इतना बड़ा चैप्टर, इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और कितने सारे क्वेश्चंस आपसे नीट में से पूछे जाते हैं और आने वाले भी हैं आगे. तो इतनी जल्दी आपने रिवाइज कर लिया, आप चाहें तो पूरी बायो को पूरा एक दिन में आराम से रिवाइज कर सकते हैं. बस इसको अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और भी अन्य जगह पर आप शेयर करिएगा, ताकि बच्चों के पास में ये पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके और उनकी दुआओं से आपका भी सिलेक्शन हो सके. आखिरकार किसी का अगर आप भला करते हैं ना, तो डेफिनेटली बेटा आपका भला होता ही होता है. एंड आई होप कि आपकी ये ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे. सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये पॉडकास्ट सीरीज़ पसंद आ रही हो तो इस पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन जस्ट स्टे ट्यून विद मी एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन.